सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। दिल्ली में आज बीजेपी और कांग्रेस की संसदीय दलों की बैठक। बीजेपी ने लोकसभा राज्यसभा सांसदों को मीटिंग में रहने को कहा, तो कांग्रेस की बैठक में भी कई मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी वाड्रा की पार्टी ने बढ़ाई जिम्मेदारी, पूरी यूपी की दी गई कमान। बीते चुनाव में बनाई गई थी पूर्वांचल प्रभारी। गुरु पर्व के खास आयोजन पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम। क्रीम कुंड में जुटेगी भक्तों की भारी भीड़। सूतक काल से पहले दिन गंगा आरती का आयोजन। आज रात 1:31 पर कल सुबह 4:30 तक लगेगा चंद्र ग्रहण। ग्रहण के चलते शाम 4 से वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या समेत देश प्रदेश के कई मंदिरों के कपाट बंद। सीएम ने उपराष्ट्रपति को दिया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का न्योता। दिल्ली पहुंचकर उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। महीने के आखिर में दूसरी बार ग्राउंड सेरेमनी का आयोजन। चारधाम मार्ग सहित उप क्षेत्रों में दर्जन बाहर मार्ग बारिश और भूस्खलन से बाधित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए समूचे उत्तराखंड में जारी किया बारिश का अलर्ट। शासन से लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में जिलाधिकारी SSP को मिले सावधानी बरतने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सोलन रविवार को एक बहुमंजिला इमारत से गिरने से बड़ा हादसा। गाजियाबाद के रहने वाले जवान योगेश तोमर की दबकर मौत। साक्षी अजितेश मामले पर सीएम ने मांगी रिपोर्ट। मामले में राजनीतिक साजिश की संभावना पर स्थानीय नेताओं से मांगी जानकारी। यूपी कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति में हुए बड़े बदलाव। मिलावटी शराब मामले में गैंगस्टर एक्ट की तैयारी। लाइसेंस होगा रद्द, MRP से ज्यादा वसूली पर भी होगी सख्ती। ऋषिकेश का ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पूरी तरह से बंद। लोक निर्माण विभाग ने पुल को किया सील बंद। पुल पर नहीं होगी आवाजाही।